मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। दमोह में कांग्रेस पर जमकर बरसे मोदी। कहा, कांग्रेस के लिए देश का विकास जरूरी नहीं, सिर्फ स्वार्थ जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा कि नीतीश कुमार ने माताओं बहनों का अपमान किया, नीतीश को शर्म आनी चाहिए। सीएम योगी की भी मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली। पन्ना और निवाड़ी में एक जनसभा हुई। कहा, कांग्रेस एक समस्या और बीजेपी एक समाधान है। इंदौर की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना रावण से की है। कहा कि जिस तरह अहि रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण से छल किया, ठीक उसी तरह आपके साथ भी कुछ बहरूपियों ने छल किया है। प्रदूषण पर टाइम्स टाउन और भारत के सवाल से भागे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जवाब दिए बिना आगे निकल गए। केजरीवाल के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया से धक्का मुक्की भी की। अखिलेश यादव ने वायु प्रदूषण पर बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी ना जल नदी का प्रदूषण रोक पाई और ना ही हवा आसमान का। ग्वालियर में जनसभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर साधा निशाना। कहा, यह चुनाव कांग्रेस से गद्दारी करने वाले और ईमानदार के बीच की है। कमलनाथ ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, बीजेपी ने सत्ता में आते ही किसानों की कर्ज माफी बंद कर दी। महादेव ऐप मामले पर बोले भूपेश बघेल। कहा, पीएम बताएं वो आरोपियों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, बीजेपी का इससे क्या कनेक्शन है। अशोक गहलोत का नामांकन रद्द करने की शिकायत। बीजेपी ने गहलोत पर नॉमिनेशन आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर तंज। कहा, धर्म के नाम पर तुष्टिकरण करने वाले जनेऊ पहनकर धार्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गहलोत को घेरा। कहा, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं रही। अपने विवादित बयान पर नीतीश कुमार ने मांगी माफी। कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैं माफी मांगता हूं। बीजेपी ने की नीतीश के इस्तीफे की मांग। आरजेडी का महिलाओं पर बेहद आपत्तिजनक बयान। मीडिया पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक ट्वीट किया। आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से आपत्तिजनक बयान जारी। सीएम नीतीश कुमार के बचाव में उतरी आरजेडी। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार के मुंह से गलती से निकल गया, नीतीश माफी मांग चुके हैं। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला। कहा, भले ही नीतीश ने माफी मांग ली है, लेकिन पूरा बिहार शर्मसार हुआ। नीतीश महिलाओं से माफी मांगे कि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। नीतीश कुमार पर मनोज तिवारी का जोरदार हमला। कहा, नीतीश का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, क्या नीतीश कुमार नशा करते हैं। नीतीश कुमार के बयान पर ओवैसी ने कहा, विधानसभा में इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है, आखिर नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश पर निशाना साधा। कहा, नीतीश की मनोदशा ठीक नहीं है। कहा, नीतीश बोलना कुछ और शुरू करते हैं लेकिन बोल कुछ और जाते हैं। नीतीश की राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा, डीसी हमें मूर्ख बनाते हैं या फिर बेवकूफ समझते हैं। बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। सुविंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की। टीएमसी पर लगाया हत्या का आरोप। बिहार में आज एनडीए गठबंधन के नेताओं की बैठक। सीएम नीतीश की अगुवाई में आरजेडी कांग्रेस जेडीयू नेताओं के साथ में मीटिंग। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। कहा, नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, पीएम की गलती से देश तबाह हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन बंसल से ईडी ने फिर पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब कर रही है ईडी की टीम।